शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बजरंग बली पवन पुत्र बजरंग बली अंजनी पुत बजरंग बली ग्यारहवें रुद्र बजरंग बली जय कपीस बजरंग बली महावीर बजरंग बली रामदूत बजरंग बली श्री राम भक्त बजरंग बली पंचमुखी बजरंग बली महाबली बजरंग बली हयहारी बजरंग बली हितकारी बजरंग बली जय 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 रावण काल का अर्थ है समय और समय को ना तो आज तक कोई रोक पाया है और ना ही कोई उसे भेद बताने के लिए बात कर पाया है। काल के गर्भ में क्या है ये किसी को ज्ञात नहीं। आपको तो ज्ञात ही है कि लंकेश सदैव ऐसे कार्य करते रहते हैं जिसके कारण उनका जीवन कभी भी संकट में पड़ सकता है। हमारा यह कर्तव्य है कि हम उनके जीवन की रक्षा के उपाय करें। तुम्हारे समय रथ को रोक देंगे। रावण लगता है तुम्हारे अहंकार ने तुम्हारी बुद्धि को हर लिया। तुम जो कार्य करने की चेष्टा कर रहे हो ना केवल संपूर्ण सृष्टि के लिए बल्कि तुम्हारे लिए भी घातक हो सकती है। आदिशक्ति हमने सदैव सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक आपकी आराधना की है। वेद शास्त्रों के अनुसार हमने अपने समस्त धर्म सारे कर्तव्य निभाए हैं। विधाता ने जो कुछ भी हमारे भाग्य में लिखा हमने उसे स्वीकार किया है। आज हम आपके सामने अपनी पत्नी धर्म की रक्षा के लिए आए हैं। माँ इस अखंड ज्योति को प्रज्वलित करके आप हमारे पति के जीवन की रक्षा का वचन दे। माँ
वचन दे। अभी भी समय अपने इस हट का त्याग कर दो और लौट जाओ, अन्यथा तुम्हारा यह हट तुम्हारे ही जीवन को संकट में डाल देगा। शक्ति से तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। यह है हमारी अमोघ शक्ति। जा हमारी अमोघ शक्ति, जा सृष्टि को दिखा दे कि रावण का बल क्या है। जा और इस समय को रोक दे, समय की गति को फिर कर दे।
समय की गति को रोक दिया। अब हमें शीघ्र अति शीघ्र ये बता कि केसरी का वो पुत्र मारुति है कौन। विदुकाल चक्र को उल्टा घुमा देंगे हम। रावण है हम, रावण। इतना पीछे ले जाएंगे, इतना पीछे, जब उस बालक का जन्म भी नहीं हुआ था, उतना पीछे। बता हमें, हमारे प्रश्नों का उत्तर, कौन है वो बालक? इतना प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है रावण। ये ब्रह्मा मोघ शक्तियां उस विधाता की इच्छा से तुम्हें तब फल स्वरूप प्राप्त हुई है जिनका तुमने सदैव दुरुपयोग किया है। मैं तो इनका सम्मान करने हेतु क्षण भर के लिए रुका था। रावण, मेरे बार बार चेतावनी देने के पश्चात भी तुमने समय चक्र के विरुद्ध कार्य किया है। महाज्ञानी होने के बाद भी तुम ये भूल गए कि ये संपूर्ण सृष्टि इस समय चक्र द्वारा ही निर्धारित होती है। प्रकृति के विरुद्ध कार्य करना सदैव विनाशकारी होता है। तुम्हें इसका दंड भोगना होगा। अब मैं तुम्हें दंड दूंगा और तुम्हें पता लगेगा कि समय की मार क्या होती है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता रावण। अब तुम्हारी कोई भी शक्ति तुम्हारे किसी काम नहीं है। अब तुम्हारी कोई भी शक्ति तुम्हारे किसी काम नहीं है। अब मैं सृष्टि जैसी थी वैसी कर देता हूं। शक्ति, ऐसा लग रहा है कि हमारे पति के साथ कोई अनहोनी घटित हुई है। जीवन बचाना होगा माँ।
मंदोदरी पुत्री, तुम एक सच्ची पतिव्रता हो। पतिव्रत धर्म में बहुत शक्ति होती है। मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ। ये अखंड ज्योति तुम्हारे पति की रक्षा करेगी। अंजना, हमने मारुति को शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा है, इसलिए तुम्हारा इतना अधीर होना ठीक नहीं है। यदि माता पिता इतना मोह करेंगे तो उनकी संतानें कैसे शिक्षा प्राप्त करेंगी, कैसे लोग व्यवहार सीखेंगे? स्वामी, माँ की ममता क्या जाने है सब, जाने किस हाल में होगा मेरा लाल। हमें तो लग रहा है कि इस समय हमारा पुत्र मारुति हवा में उड़ान भर रहा होगा। मारुति, अब हम इक्ष्वाकु वंश की महानगरी अयोध्या की ओर पहुंच रहे हैं।